हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू चावर्सरी पॉइंट। चलो आज से शुरू करते हैं हम इस प्रोजेक्ट का थर्ड लेक्चर। एंड आज हम ओपन करते हैं अपना नेटबीन्स एंड अपना प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले डिपेंडेंस, जितने भी डिपेंडेंसीज हैं वो सब डाउनलोड कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट का नाम जो भी देना है दे सकते हैं, लाइक मैं दिया है जैसे बिट्स एग्जाम सेंटर एंड ऑल दैट। फिर सर्वर कौन सा यूज करें आपको ऑलरेडी पता है, ग्लास फिश सर्वर एंड ऑल दैट। तो चलो सबसे पहले मैं क्या क्या फाइल्स लगने वाले हैं, कौन कौन से डिपेंडेंसीज लगने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मुझे लगने वाला है MySQL जार फाइल, क्योंकि MySQL डेटाबेस यूज करने वाला हूँ। दूसरा लगने वाला मुझे हाइब्रिड के सारे जार फाइल्स लगने वाले हैं। तो हाइब्रिड आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, सो मुझे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, जो कि है यहाँ पे डाउनलोड्स एंड हाइब्रिड जार्स के अंदर सिंपली जाते हैं। और यहाँ पे देखो हाइब्रिड, आई होप सो, यप, हाइब्रिड रिलीज 5.2.12, ये फाइनल एंड रिलीज एंड लेटेस्ट होने स्टेबल रिलीज है ये, तो हम ये यूज करने वाले हैं, राइट। सो इसे मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ अभी। एंड MySQL कैरेक्टर मेरा इसके नीचे ही, आप देख सकते हो। इवन जावा अगर आपको सेम चीज यूज करना है लाइक OJDBC यानी ओरेकल डेटाबेस के साथ, तो ये वाला जार यूज करना है। एंड अगर MySQL के साथ तो ये वाला, MySQL का लेटेस्ट जार फाइल है MySQL कैरेक्टर जावा 5.0.8। सो इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, 7zip एक्सट्रैक्ट हियर एंड सिंपली ये हाइब्रिड रिलीज फाइनल 2 यहाँ पे हमारा ऐड हो चुका है। लिप के अंदर जाओ, ये यहाँ पे आपको मिलना है रिक्वायर्ड नाम का एक फोल्डर, इसके अंदर सारे जार फाइल्स हैं जो आपको यूज करना है। ओके, इसके अलावा कौन सा लगने वाला है, आई डोंट थिंक इसके अलावा और कुछ लगने वाला है। सो रिक्वायर्ड के अंदर जितने भी जार फाइल्स रहेंगे वही इनफ हो जाएंगे। और ये अभी भी एक्सट्रैक्ट हो रहा है, डोंट वरी, इसके अंदर और भी फाइल्स हैं, यही फाइल्स हमें सिर्फ ऐड करना है इसमें से। ठीक है, इसमें भी आप कुछ ले सकते हो, कुछ रख सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपको चाहिए तो डालो, नहीं डालना है तो मत डालो। फिलहाल अभी आपको एज्यूम करना है कि हम सारे यूज करने वाले हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे आगे जाके बहुत सारी चीज़ें लगने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें कब कहाँ कौन सा यूज होने वाला है, तो मैं बार बार ऐड करने से अच्छा मैं एक साथ सब ऐड कर दूंगा। ठीक है, दैट्स ऑल। चलो नेटबीन्स में चलते हैं और ऐड करना शुरू करते हैं। लेकिन ऐड होने से पहले अभी भी मेरा जहाँ एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो मैं इसे भी अभी ऐड नहीं कर सकता, तब तक मैं MySQL को ऐड कर लेते हैं अपने नेटबीन्स के अंदर। चलो एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं सिंपली। हाँ, ये जो ऑलरेडी कल मैं एक ये है यहाँ पे, ये निकाल देते हैं और नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे जो ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं उसको आप इग्नोर कर सकते हो, जैसे अभी ये है एंड ये है, तो आपका प्रोजेक्ट मैं एक फिर से बनाता हूँ। ये पहले बार मैं डिलीट करता हूँ सिंपली, ये पहले बना हुआ था, ऑल्सो रीड द सोर्स फाइल एंड यस एंड जस्ट रिमूव इट। ओके, डन। सो हमारा प्रोजेक्ट डिलीट हो गया। अब सिंपली न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं और इसका जावा वेब एप्लीकेशन नेक्स्ट, एंड इसका जो भी नाम देना है मैं डालता हूँ बिट्स एग्जाम चलेगा, बिट्स एग्जाम एंड नेक्स्ट। एंड ये इसका कॉन्टेक्स्ट पाथ रहने वाला है, जिसे हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल, कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट जिसे हम बोलने वाले हैं। जावा वर्जन जो वेब जावा ई का है वो हम 7 यूज कर रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पे 6 और 5 है, ऑब्वियसली आप उसके लिए नहीं, आपको जाना है ई लेटेस्ट वर्जन के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो उसके लिए सेलेक्ट करते हैं ग्लासफिश सर्वर, एनी वन ऑफ देम, लाइक यहाँ पे और भी हैं सर्वर अगर आपको यूज करना है लाइक ग्लासफिश के अलावा, जैसे JBoss है, ओरेकल है, वेबलॉजिक एंड अपाचे हैं, अमेजोन है, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन यूज इट ओवर हियर, बट जो मैं यूज करने वाला हूँ ग्लासफिश सर्वर रहने वाला, राइट। सो एंटरप्राइज एप्लीकेशन कोई मुझे इंक्लूड करना नहीं है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे देख सकते हो एंटरप्राइज एप्लीकेशन जो कि ये है उसके लिए वो सजेस्ट करे, लेकिन हमें वो सारी चीज़ें नहीं यूज करना है, सिंपली जस्ट से नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट करते हो तब आपको पूछा जाता है कि आप कोई फ्रेमवर्क वगैरह यूज करने वाले हो या नहीं, तो मैं सिंपली बोलने वाला हूँ यस, बट मैं यहाँ से इंक्लूड नहीं करने वाला, मैं एक्सटर्नल जो लाइब्रेरी हमने डाउनलोड किया है वो करने वाला। यहाँ पे 4.3.1 है एंड यहाँ पे हाइब्रिड अगर आप चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो, फिर आपको यहाँ से कनेक्शन भी देना पड़ेगा, जो कि आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है जो ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए मैं ये रिमूव करता हूँ, मैं ये जो नहीं करने वाला। ठीक है, तो कोई स्ट्रट्स जावा सर्वर फेसेस स्प्रिंग तो हम यूज करने वाले हैं नहीं फिलहाल, तो हमें यूज करना है JSP सर्वलेट एंड हाइब्रिड का यूज करके बना रहे हैं, सिंपली जस्ट से फिनिश, राइट, दैट्स ऑल वट एवर आई वॉज लुकिंग फॉर। सो हो गया, अब ये प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाएगा, बस इसके अंदर मुझे जार फाइल्स ऐड करने हैं, जो ऑलरेडी पेजेस ओपन है उसे मैं क्लोज कर देता हूँ, जैसे ये है न्यू सर्वलेट एंड JSP न्यू सर्वलेट एंड ब्ला ब्ला, जस्ट क्लोज ऑल दोस थिंग्स एंड नाउ व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे जाइए एंड हमारा जार फाइल एक्सट्रैक्ट होके रेडी हुआ या नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी थोड़ा बाकी है,
वेब पेजेस के अंदर आपके सारे के सारे व्यू पेजेस रहने वाले हैं। वेब पेजेस में से आपको पता होगा ऑलरेडी क्या है ये वेब पेजेस, तो इसके बाद में बताने वाला हूँ इसी क्या होता है, तब आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल मुझे डिपेंडेंसी जो चाहिए वो ले लेते हैं। राइट क्लिक करो, सिंपली प्रॉपर्टीज में जाके कर सकते हो, या फिर आप हाँ चलेगा प्रॉपर्टीज से करते हैं बेटर। एंड यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा एक फ्रेमवर्क, नहीं लाइब्रेरीज के अंदर जाओ, लाइब्रेरीज के अंदर ऐड जार फोल्डर्स है या फिर ऐड लाइब्रेरीज। अगर आप ऐड लाइब्रेरी अपने हाइब्रिड को जो आपने डाउनलोड किया पूरा का पूरा लाइब्रेरी ऐड करना है तो भी कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐड जार फोल्डर्स भी कर सकते हो। ऐड जार फोल्डर्स करने के बाद आपको एक पॉप बॉक्स आएगा जहाँ पे आपको सेट करना है अपने ब्राउजर का, अपने कनेक्टर्स का पाथ एंड हाइब्रिड का पाथ, ठीक है। तो सिंपली वो हमारा डाउनलोड फोल्डर के अंदर अवेलेबल है, तो हम लोग वहाँ से डाउनलोड ले सकते हैं, जो कि माई स्कूल कनेक्टर 5.0.8। सिंपली ओपन एंड नेक्स्ट अगेन, मुझे अभी हाइब्रिड के सारे जार फाइल्स चाहिए, तो जार फाइल्स हमारे हाइब्रिड के यहाँ पे अवेलेबल हैं इसके अंदर। ओके सॉरी, ये नहीं, इस तरह से नहीं आपको करना है, इस तरह से करना है जैसे मैं अब करने वाला हूँ। हाइब्रिड के अंदर जाओ, लिब के अंदर जाओ, रिक्वायर्ड के अंदर जाओ, और यहाँ पे ये सारे फाइल्स हैं आपके, ठीक है। कंट्रोल ए कर लो, सिंपली ओपन, ओके दर्शा आपके सारे के सारे डिपेंडेंसीज यहाँ पे आ चुके हैं। ओके जस्ट से ओके ओके, अब ये हमारे सारे के सारे लोड हो गए, सारे जार फाइल्स लोड हो चुके हैं। एंड नाउ व्हाट वी कैन डू, जस्ट लाइब्रेरीज को मिनिमाइज कर दो। सो एक बार प्रोजेक्ट हायरार्की समझ लेते हैं। वेब पेजेस, वेब आईएनएफ के अंदर कुछ नहीं है, index.html है जिसको हम डिलीट करने वाले हैं। सोर्स पैकेज के अंदर कुछ नहीं है, सोर्स पैकेजेस के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं कुछ फोल्डर्स, जो कि अभी बना लेते हैं हम लोग बेटर। तो हमें लगने वाले यहाँ पे सबसे मेन जो मेन फोल्डर रहने वाला है, एक मॉडल, एक कंट्रोलर, ये दो मेन फोल्डर रहने वाला है, एक रिसोर्सेस, तीन फोल्डर्स बनाने वाले हैं। तो चलो बना लेते हैं न्यू, हाँ न्यू फोल्डर यानी पैकेज जिसे हम बोलने वाले हैं, ये पैकेज बोला जाएगा यहाँ पे जब बनेगा ये फोल्डर, तो इसे एज अ पैकेज बिहेव करने वाला है। तो पैकेज का नाम देते हैं हम लोग यहाँ पे एक कंट्रोलर, क्योंकि हम यहाँ पे कौन सा आर्किटेक्चर यूज करने वाला हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन सा आर्किटेक्चर MVC का है एंड ऑल दैट, तो समझ में आ जाएगा आपको। एंड दूसरा लगने वाला है मुझे एक न्यू 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 फोल्डर अगेन, और इसका नाम देने वाले हम लोग नेक्स्ट वाला मॉडल, मॉडल जो कि रहने वाला है दिस वन, मॉडल मॉडल व्यू कंट्रोलर फोल्डर बनाने से नहीं हो जाएगा, ऑब्वियसली इसके फॉलो करने हैं। एक और बनना है जो कि रहने वाले हैं रिसोर्सेस, जो कि है ये, एंड यहाँ पे देने वाले हैं RESURCES, राइट, आई एम नॉट श्योर, रिसोर्सेस। सो इसको सब कैपिटल कर देते हैं, RESURCES, रिसोर्सेस, ओके फिनिश, जस्ट से फिनिश। तो तीन पैकेजेस बन चुके हैं। अब इसके अंदर होने वाला क्या है, इसके अंदर जो अभी सिलेक्टेड है ब्लू कलर का, वो उसमें रहने वाले हमारे सिर्फ कंट्रोलर्स रहने वाले हैं, राइट। सो अगर आपको चीज़ें फ़ोन में देखनी है तो मुझे इसको ऑब्वियसली थोड़ा कुछ तो करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपको दिखे, और वो हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीफायर यूज कर सकते हैं, मैग्नीफायर बेटर, और वो कर्सर के ऊपर रख देते हैं, बेटर रहेगा, राइट। सो अभी 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 ऐसे नहीं चलेगा, ओके ये रहा कंट्रोलर मॉडल रिसोर्सेस, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम लोग कंट्रोलर के अंदर सारे सर्वलेट रहने वाले हैं, मॉडल के अंदर वो क्लासेस एंड इंटरफेसेस रहने वाले हैं जितने हमें टेबल बनाने हैं, एंड बीन चीज़ें रहने वाली हैं, यानी बीन क्लास हमारा इंटरफेस इसके अंदर रहने वाला है। इवन हम लोग जो इसके लॉजिकल पार्ट्स रहने वाले हैं वो भी इसके अंदर रहने वाले हैं। रिसोर्सेज के अंदर XML फाइल रहने वाले हैं, ठीक है। web.xml, वेब आईएनएफ के अंदर web.xml फाइल रहने वाला है, वो कब कैसे यूज होने वाला है वो भी बताऊंगा मैं। एंड दैट्स ऑल, हमारे एडिड भी हो चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं MVC को समझाऊंगा, तब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, क्योंकि विदाउट MVC को समझे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एंड JSP मॉडल 2 आर्किटेक्चर में यूज करने वाला हूँ, ये दोनों चीज़ मैं समझा दूंगा, तब मैं ऐड करना शुरू करूँगा। तो फिलहाल इस स्टूडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लो, सो दैट मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको इसके लिए मैसेज आता रहेगा, तो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। या लोगों को शेयर करते रहो, लाइक करो, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, आपको लगता है ये यूजफुल है तो, नहीं है तो ऑब्वियसली मत करो। एंड दैट्स ऑल, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में।